इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के फर्स्ट टेस्ट के पहले ही दिन तय हुई टीम इंडिया की विन। वाह, रविचंद्रन अश्विन WTC फाइनल में नजरअंदाज। वेस्ट इंडीज दौरे में हुई वापसी, मारा पंजा करेबियाई धरती पर किया राज। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट डोमिनिका के विंडसर पार्क में खेला जा रहा है। मैच में पहले ही दिन टीम इंडिया मेजबान वेस्ट इंडीज पर बहुत ज्यादा हावी दिखाई दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम पहली पारी में 150 रनों पर ही सिमट गई। टीम की ओर से एलेक एथेंजे ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए और टीम इंडिया की ओर से स्पिनर आर अश्विन ने पंजा मारा, यानी 5 विकेट अपने नाम किए। 150 रनों पर वेस्ट इंडीज को ढेर करने के बाद टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई विकेट गवाए 80 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम शुरुआत में तो अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन लंच तक टीम ने 68 रनों पर 4 विकेट गवा दिए। इसके बाद दूसरे सेशन यानी टी तक 137 रनों पर वेस्ट इंडीज के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। तीसरे सेशन में बल्लेबाजी करने के लिए वापस आई मेजबान टीम ज्यादा देर नहीं टिक पाई और 150 रनों पर ही आउट हो गई। पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज के ज्यादातर बल्लेबाज नाकाम दिखाई दिए। 5 बल्लेबाज तो 10 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। ओपनिंग अंडे आए वेस्ट इंडीज के कप्तान क्रिक ब्रैथवेट ने 20 रन, दूसरे ओपनर चंद्रपॉल ने 12, नंबर 3 पर रीफर ने 2, नंबर 4 पर ब्लैकवुड ने 14, नंबर 5 पर एलेक एथेंजे ने 47, नंबर 6 पर जोशुआ ने 2, नंबर 7 पर होल्डर ने 18, नंबर 8 पर अल्जारी जोसेफ ने 4, नंबर 9 पर कार्नवॉल ने नाबाद 19, रोच ने 1 और वार्किन ने 1 रन बनाया। वहीं टीम इंडिया ने शानदार गेंदबाजी की और दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने 5 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को भी 1-1 सफलता हाथ लगी। बता दें, वेस्ट इंडीज को ऑल आउट करके पहली पारी के लिए बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया अच्छी लय में दिखाई दी। टीम की ओर से कप्तान रोहित शर्मा के साथ डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल ओपनिंग पर आए। पहला दिन खत्म होने तक दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 80 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। इस दौरान यशस्वी जायसवाल नाबाद 40 और रोहित शर्मा नाबाद 30 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए हैं। अभी टीम इंडिया वेस्ट इंडीज से 70 रन पीछे है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।